हेलो एवरीवन, दिस वन दीपक अगेन, रियल एस्टेट कंसल्टेंट एंड ट्रेनिंग कोच। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है गुड़गांव का माइक्रो मार्केट, जहां पे आपका पैसा डबल हो सकता है। उन सेक्टर्स और उन सेक्टर्स की सराउंडिंग के बारे में हम बात करेंगे। सो गुड़गांव को चार ही माइक्रो मार्केट में बांटा गया है। फर्स्ट इज गोल्ड कोस्ट एक्सटेंशन रोड, सेकेंड इज SPR रोड, थर्ड इज न्यू गुड़गांव एंड फोर्थ इज द्वारका एक्सप्रेस वे। इन सारे सेक्टर्स या इन सारे माइक्रो मार्केट्स में कौन से पोटेंशियल सेक्टर्स और उनकी सराउंडिंग है, आज हम केवल उन पे ही बात करेंगे। सारे सेक्टर्स को या पूरे के पूरे माइक्रो मार्केट को समझने के लिए आज हम नहीं जा रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इस वीडियो में अगर मैं किसी बिल्डर का नाम लेता हूँ, किसी प्रोजेक्ट का नाम लेता हूँ, तो वो मेरा रिकमेंडेशन नहीं है। मैं यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट सेल करने के लिए नहीं आया हूँ, बट ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं इस माइक्रो मार्केट की आपको इतनी समझ डेवलप कर दूंगा कि आप खुद ही अपने विवेक से कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान कर पाए। सो हम सबसे पहले जो माइक्रो मार्केट पकड़ रहे हैं वो पकड़ रहे हैं सेक्टर 76 से लेके 80 तक का माइक्रो मार्केट, क्योंकि ये सबसे बर्निंग, सबसे ज्यादा फास्ट ग्रोइंग, यहाँ पे पैसे जो बनने वाले हैं लोगों के विद इन 3 to 5 ईयर डबल तो है, जो पक्के हो जाएंगे, उससे ऊपर का भी अप्रिसिएशन आ सकता है। कैसे आएगा मैं आपको बता दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन सेक्टर्स में क्या हुई है, अभी लैंड टाइटल चेंज हुए हैं। यहाँ पे मानेसर की नगर निगम लगती थी, मैक्सिमम सेक्टर्स में अब गुड़गांव की नगर निगम लगना शुरू हो गई। HSIDC ने अपनी लैंड जो है वो रिलीज की है और काफी बिल्डर ने यहाँ पर लैंड अपनी एक्वायर करके प्रोजेक्ट टाइटल क्लियर करके अपने प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए हैं। किस किस ने ये किया है, कुछ तो आपने नाम सुन लिए होंगे, जैसे DLF ने यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है, कॉन्सेंट ने यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है, M3M का ऑलरेडी यहाँ पे प्रोजेक्ट लॉन्च था ही, आशियाना अपना प्रोजेक्ट यहाँ पे लाने वाला है, NDCO अपना लाने वाला है। कितना ज़्यादा पोटेंशियल सेक्टर ये है, ये अभी आपको मैं एग्जाम्पल दे के बता देता हूँ। ये जो सेक्टर्स हैं ये सेकेंड अंडरपास से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। जो अभी एक छोटी रोड है, इन फ्यूचर ये 84 मीटर चौड़ी होने वाली है। इस सेक्टर की जो सबसे खास बात है वो ये है कि यहाँ पे 2 करोड़ से इन्वेस्टमेंट शुरू होता है और 8 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट जाता है, और कोई भी इन्वेस्टमेंट किसी छोटे बिल्डर के साथ नहीं है, सारे इन्वेस्टमेंट बहुत ही टॉप ग्रेड बिल्डर और उनके नाम के साथ होने वाले हैं। सो अभी तक हमने जो बात की वो की है बहुत छोटे टॉपिक्स पे, अब हम इन टॉपिक को ब्रॉड करते हैं जो एक्चुअल में आपके पैसे को डबल करने वाले हैं। सबसे पहला जो आपको हेल्प करेगा पैसों को डबल करने में वो करेगा साइबर सिटी 2। 1000 एकड़ का ये डेवलपमेंट है, AI बेस्ड डेवलपमेंट है। इसमें आपको क्या क्या एडवांटेज मिलने वाले हैं, इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना लिया है जो आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। साइबर सिटी पे अगर मैं बहुत ज़्यादा बोलने लगूँ तो बहुत बड़ा ये वीडियो हो जाएगा, आप प्लीज़ इस वीडियो को देख लीजिएगा। सेकेंड टॉपिक मैं कवर करूँगा आपको वो है 5-स्टार होटल की चेन। यहाँ पे हयात होटल आपने ऑलरेडी देखा हुआ है, वहाँ पे उसी लाइन में 4 5-स्टार होटल और आने वाले हैं जो आपको प्राइस अप्रिशिएशन में हेल्प करेंगे। मेट्रो जंक्शन, यहाँ पे 3 मेट्रो के जंक्शंस आने वाले हैं। पहला द्वारका सेक्टर 21 से जो मेट्रो एक्सटेंड कर रही है, आप गुड़गांव ऐप पे देख सकते हैं, एज अ रेड डॉटेड लाइन वो डीमार्केटेड है, वो एक्सटेंड होके पूरा द्वारका एक्सप्रेस वे चलते हुए मानेसर के लिए एक्सटेंशन उसका प्लान है। सेकेंड इज साइबर सिटी 2 की जब मैं बात कर रहा हूँ तो डेफिनेटली DLF अपना इंफ्रा वहाँ पे डेवलप करेगा। उसने प्लान किया हुआ है कि वो अपनी रैपिड मेट्रो एक्सटेंड करेगा और वो साइबर सिटी 2 तक लाएगा। इसके अलावा जो आपकी हुड्डा मेट्रो है विच इज मिलेनियम सिटी मेट्रो, वो मेट्रो एक्सटेंड होना शुरू हो गई है, उसका तो काम भी शुरू हो गया है, तो वो भी यहाँ पे आके जंक्शन क्रिएट करने वाली है। इसके अलावा जो मैं बात करूंगा वो करूंगा जंगल सफारी की। वर्ल्ड वाइड फेमस जिसको कह सकते हैं कि एक सफारी का केंद्र वहाँ पर बने, ये भी हमने विचार किया है और इसके आधार पर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, तो हरियाणा एक टूरिस्ट का हब भी बने, ऐसा विचार भी अब कर रहे हैं। यहाँ पे वर्ल्ड की, मतलब मैं आपको एम्फेसाइज करके बोल रहा हूँ, वर्ल्ड की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनने वाली है आफ्टर शारजा। जब ये जंगल सफारी यहाँ पे बन जाएगी तो दुनिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। जो भी यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है वो पूरे गुड़गांव का सबसे लो डेंसिटी डेवलपमेंट है। क्यों है ये, क्योंकि एक तरफ आपको मिल जाता है अरावली का सपोर्ट जो कंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा कम करने के नियम के साथ आता है,
प्लस दूसरा आपको सपोर्ट मिल जाता है यहाँ पे गोल्फ कोर्स का। ये जो एरिया है ये जंक्शन ऑफ गोल्फ कोर्स है, यहाँ पे आपको ITC करमा लेकलैंड और भी छोटे बड़े गोल्फ कोर्स मिल जाते हैं। एयर इंडिया भी अपना यहाँ पे लगभग 6 लाख स्क्वायर फीट का ट्रेनिंग सेंटर डेवलप करेगा और उसे रन करेगा। आपको यहाँ पे अमेरिकन एक्सप्रेस का भी सपोर्ट मिल जाता है, जहाँ पे लगभग 20,000 से 25,000 एम्प्लॉय आएंगे। ये सारे एम्प्लॉयज जो हैं, ये बड़े नाम जो है, वो आपकी रेंटल वैल्यू को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड माइक्रो मार्केट की। सो सेक्टर 36A और इसके 5 किलोमीटर सराउंडिंग की हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अपकमिंग इंफ्रा की, जो आपके पैसे को बढ़ाने में हेल्प करेगा। मैंने आपको बोला है आपके पैसे डबल कहाँ होंगे, उस हिसाब से तो आपको डबल और उससे प्लस का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कैसे आएगा, तो हम इसके 5 किलोमीटर सराउंडिंग की बात करने वाले हैं। तो आपको इस सेक्टर और उसके आसपास में क्या मिलता है, सबसे पहले आपको मिल जाती है ग्लोबल सिटी। इसकी कितना बड़ा है, इसका एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, फिर आप इसमें एड ऑन कर लीजिएगा पॉइंट। यहाँ पे जो लैंड ट्रेड हुई है वो दिल्ली NCR की सबसे महंगी लैंड ट्रेड हुई है। पर एकड़ यहाँ पे जो बिडिंग गई है वो गई है 60 करोड़ रुपए की एक एकड़। यहाँ पे जो FAR यूज होने वाला है, तो गुड़गांव में जो रेसिडेंशियल के लिए FAR यूज होता है वो होता है 3.2 का, कॉमर्शियल के लिए जो यूज होता है वो होता है 4.8 का। बट यहाँ पे जो बिल्डिंग बनने वाली है वो 9 to 10 FAR के साथ बनने वाली है। मतलब आपने जो अभी तक 50 फ्लोर की 40 फ्लोर की बिल्डिंग देखी है वो सीधे के सीधे 90 और 80 फ्लोर की होने वाली है। यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी मिल जाती है ISBT के साथ में, प्लस हेली हब के साथ में। हेली हब पे मैंने अपने पुराने वीडियो में डिस्कशन कर लिया था, ISBT इज इंटर स्टेट बस टर्मिनल। मतलब यहाँ पे आपको जो बस टर्मिनल मिलेगा वो ये फुल्ली AC एयर कंडीशनर होने के साथ में आपको यहाँ से हर स्टेट के लिए कनेक्टिविटी मिल जाएगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि ये द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्ट है, द्वारका एक्सप्रेसवे NH8 से कनेक्ट है और NH8 KMP और KGP से कनेक्ट है, जो ऑल इंडिया कनेक्टिविटी आपको प्रोवाइड करते हैं। आपको यहाँ पे एक सेक्टर मिलने वाला है जो फुल्ली कॉमर्शियल डेडिकेशन के साथ आता है, सेक्टर 88। यहाँ पे लगभग 500 एकड़ का कॉमर्शियल बस बनने वाला है। सेक्टर 29 इज कॉमर्शियल सेक्टर SCO डेडिकेटेड। सेक्टर 44 इज कॉमर्शियल सेक्टर SCO डेडिकेटेड। और यहाँ पे टॉप नोच बिल्डर के 3-4 SCO आ चुके हैं, अपकमिंग भी यहाँ पे SCO मार्केट आने वाला है। तो आप समझ सकते हैं जब छोटे छोटे मार्केट ने पूरे गुड़गांव को एक नाम प्लस पैसों का और जॉब का अपॉर्चुनिटी दी है, तो यहाँ पे तो 500 एकड़ का डेवलपमेंट है, तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। हार्डली आप 12 से 15 मिनट में एयरपोर्ट यहाँ से पहुँच सकते हैं, तो एयरपोर्ट कनेक्टिविटी भी आपकी यहाँ से इजी रहने वाली है। तो आपको एयरपोर्ट कनेक्टिविटी भी मिल गई, हेली हब कनेक्टिविटी भी मिल गई, मतलब आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बस एयर टैक्सी सबके पास में है और सबसे अप्रोचेबल है। तो इसके चलते आपको कॉमर्शियल हब या कॉमर्शियल जंक्शन बनने में हेल्प मिलेगी। यहाँ पे जो आपको इन्वेस्टमेंट कैटर हो जाती है वो हो जाती है 2 करोड़ से 2 करोड़ में आपको यहाँ पे रेसिडेंशियल अपार्टमेंट भी मिल जाते हैं, प्लस स्टूडियो अपार्टमेंट भी मिल जाते हैं। स्टूडियो अपार्टमेंट इज बेस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट नाउअडेज। अभी हम इसके अपर साइड पे चले जाते हैं, तो यहाँ पे आपको 12 से 13 करोड़ का भी रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट मिल जाता है, जो कि आपको मिलेगा एज अ पेंट हाउस। अब हम चलते हैं और अपने थर्ड माइक्रो मार्केट पे बात करते हैं, विच इज द्वारका एक्सप्रेस वे। यहाँ पे जो मैंने सेक्टर पकड़ा है वो पकड़ा है सेक्टर 103। ये सेक्टर मैंने इसलिए पकड़ा है क्योंकि यहाँ पे जो भी बिल्डर ले रहा है लैंड वो बड़ी लैंड ट्रेड कर रहा है। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं सेक्टर 103 में वाइट लैंड ने यहाँ पे लगभग 28 से 30 एकड़ की लैंड ली है और उधर पे लाइसेंसिंग अप्लाई की हुई है। सो सेक्टर 103 जो है वो एक वर्जिन सेक्टर माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेस वे की सबसे बड़ी लैंड अवेलेबल है, जहाँ पे अभी तक किसी भी डेवलपर ने ऑक्यूपेशन नहीं लिया है। सबसे पहला जो ऑक्यूपेशन यहाँ पे आया है बड़े नाम के साथ में, वो आया है वाइट लैंड का। इसमें भी 3 फेज में डेवलपमेंट है। जब भी फेज वाइज डेवलपमेंट होता है तो आपको लगातार क्लाइंट मिलते रहते हैं, लगातार बिल्डर प्राइस अप्रिशिएट करता रहता है और आपको उस अप्रिशिएट प्राइस का बेनिफिट मिलता रहता है। SPR रोड पे BPTP की टाउनशिप है एम सोरिया करके।
उसने वहां पे प्लॉटिंग बेचना शुरू किया था वही 50,000 रुपए स्क्वायर फीट पे, आज बीपीटीपी ने जो रेट कर दिया है वो कर दिया है 1,70,000 रुपए स्क्वायर फीट। 1,70,000 स्क्वायर फीट पे भी वो अपना माल बेच रही है, क्लाइंट प्रोड्यूस कर रही है, तो जिसने 50,000 रुपए का माल खरीदा था उसे एक बहुत अच्छा अप्रिसिएशन भी मिल जाता है, प्लस विदाउट मार्केटिंग उसके पास में क्लाइंट भी अवेलेबल रहते हैं। सेम उसने किया है सेक्टर 102 में, फर्स्ट कोविड के टाइम पे वहाँ पे 55,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का प्लॉट अवेलेबल होता था, यहाँ पे फ्लोर भी उसके अवेलेबल हैं, तो प्लॉट का एग्जांपल दे रहा हूँ, प्लॉट अवेलेबल होता था, आज वहाँ पे बीपीटीपी ने 2,00,000 रुपये का रेट कर दिया है। तो आपको क्लाइंट भी बीपीटीपी प्रोवाइड कर रहा है, रेट भी बीपीटीपी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए, यही एग्जाम्पल सूट करते हैं 103 के लिए, जहाँ पे कुछ बिल्डर जिन्होंने लैंड ले ली है वो अपने लैंड को फेजेस में डेवलप कर रहे हैं, अपनी टाउनशिप को या अपने प्रोजेक्ट को फेजेस में ला रहे हैं। तो फर्स्ट फेज से थर्ड फेज तक आते आते वो आपको अच्छा क्लाइंट बेस भी दे देंगे और अच्छा रेट भी दे देंगे। और इस सेक्टर में अभी वर्जन लैंड जो पड़ी है वो पड़ी है लगभग 110 एकड़ की, जो इन फ्यूचर कोई ना कोई बिल्डर लेगा और उसमें एक आपको अप्रिसिएशन रेट का और अच्छे क्लाइंट का कैटरमेंट हमेशा देता रहेगा। इस सेक्टर में जो आपको मिनिमम एक ग्रेन बिल्डर के साथ में इन्वेस्टमेंट मिल जाता है वो मिल जाता है आपको 3 करोड़ से, जो अगेन जाता है लगभग 6 करोड़ तक। अब मैं आता हूँ अपने चौथे माइक्रो मार्केट पे, विच इज गोल्फ कोस्ट एक्सटेंशन रोड। यहाँ पे सेक्टर 58 और इसके आसपास के प्रोजेक्ट्स और इसकी सराउंडिंग पे हम बात करेंगे। ये मैंने सबसे लास्ट में इसलिए लिया है क्योंकि ये जो सेक्टर और इसके सराउंडिंग है वो इन्वेस्टमेंट ड्रिवन मार्केट कम एंड यूजर ड्रिवन मार्केट ज़्यादा हो गया है। यहाँ पे आपको जो भी फ्यूचर प्लानिंग थे वो आ चुके हैं, केवल 30% की प्लानिंग और रह जाती है। तो यहाँ पे आपको रोड मिल जाते हैं ब्लैक टॉप, यहाँ पे आपको होटल्स मिल जाते हैं ऑपरेशनल, यहाँ पे आपको कॉमर्शियल्स मिल जाते हैं ऑपरेशनल। इन फ्यूचर क्या क्या आने वाला है, IT सेज यहाँ पे आने वाला है इन फ्यूचर, और कुछ बड़े बिल्डर्स के नाम यहाँ पे आने वाले हैं, जैसे हम बात कर सकते हैं लोधा यहाँ पे आने वाला है, ओबरा यहाँ पे आने वाला है, DLF के भी कुछ नए प्रोजेक्ट यहाँ पे आने वाले हैं, L3M की एक लैंड एक्विजिशन हुई है तो उसके भी प्रोजेक्ट यहाँ पे आने वाले हैं। तो ये प्रोजेक्ट आपको क्या करेंगे, एंड यूजर मार्केट के साथ में प्राइस अप्रिसिएशन का भी एक एज बना के आपको देंगे। इसके अलावा मैंने गोल्फ कोस्ट एक्सटेंशन रोड बहुत क्लोज से देखा हुआ है और इसके डेवलपमेंट को, इसके प्राइस अप्रिसिएशन को भी बहुत क्लोज से देखा हुआ है। तो अभी जो यहाँ पे नया हिट आएगा, अब देखिए अभी जो भी प्रोजेक्ट आए हुए हैं वो आए हुए हैं 60 मीटर रोड पे, मतलब सारे प्रोजेक्ट चौड़ी रोड पे आए हुए हैं, 24 मीटर रोड पे अभी काम नहीं हुआ है। जो भी प्रोजेक्ट है 24 मीटर रोड के कनेक्शन के साथ में, मैं उनके नाम ले देता हूँ, जैसे आप बिल्डर 90 जाएंगे वहाँ पे और उसके आगे रोड नहीं बना हुआ है। टाटा रायसेना पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे 24 मीटर रोड प्रॉपर नहीं बना हुआ है। तो जब यहाँ पे 24 मीटर रोड का काम शुरू होगा, नए प्रोजेक्ट यहाँ पे आएंगे, वो प्राइस अप्रिसिएशन लेके आएंगे। तो सेक्टर 58 और उसके आसपास में आप अपना एंड यूज इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं। तो ये थी आज की कंप्लीट वीडियो। यहाँ पे मैंने 4 माइक्रो मार्केट को लिया है। आपको ये लग रहा होगा कि मैंने सारे ही माइक्रो मार्केट को ले लिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने कुछ सेक्टर, स्पेसिफिक सेक्टर और उनके आसपास की बात की है, और जिस हायरार्की में मैंने बात की है सेक्टर वाइज, मुझे लगता है उसी हायरार्की में तेज और थोड़ा स्लो इन्वेस्टमेंट अप्रिसिएशन होगा। आपको इस वीडियो को देखने के बाद क्या लगता है, आप अपने सजेशन मुझे कमेंट्स में दे सकते हैं कि कौन सा सेक्टर ज़्यादा तेज़ी से अप्रिशिएट करेगा। मैं आपकी भी समझ देखना चाहता हूँ और उस पर भी मैं स्टडी करना चाहता हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सेल पर्पज से मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाई है, तो आप मेरी एफर्ट्स को प्लीज़ रिकॉग्नाइज जरूर कीजिएगा। थैंक यू अगेन।